नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे खास मेहमान, इतिहासकार, लेखक और भी बहुत सारी इनमें क्वालिटीज हैं, मिस्टर अमित राय जैन। आपको सरस्वती नदी योजना की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। स्वागत है आपका अमित जी मेरे चैनल पे, जी और नमस्कार नमस्कार मेरे जी दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है। ये माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंच करके गंगा और यमुना में मिली? जब नहीं मिली तो क्यों कहा जा रहा है त्रिवेणी संगम? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनकी हम कोशिश करेंगे अमित जी से मिलकर के पूछने की, उन सवालों में जाएंगे। क्योंकि अमित जी, आप भी जानते हैं कि अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत जो है सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते हैं। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है और माना जाने लगा है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी कई हजार वर्ष पुरानी है। तो आप क्या कहते हैं इस विषय पे? क्या देखिए कभी मैम सरस्वती नदी का अस्तित्व था? हाँ बिल्कुल, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पूरे विश्व स्तर पे आज ये जो सरस्वती नदी के बारे में भारत की केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में बहुत गंभीरता से सोचा है, और जी जो देश का नीति आयोग है और जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, उन सभी के मिले जुले प्रयास से इस सच्चाई की ओर पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदियों में, जो कि बहुत बड़े लेवल पर 3-4 जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनको प्रभावित जी करती है, वहाँ की भूमि को आप्लावित करती है, उस नदी का अस्तित्व बेशक था, परंतु कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई, कुछ ऐसी पृथ्वी की जो भौगोलिक इतिहास के अंदर समाहित घटनाएं हैं, ऐसे कुछ भूकंप आए जिसकी वजह से सरस्वती नदी का अस्तित्व बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया। परंतु जी भारत के प्राचीन लिटरेचर में, जो सबसे प्राचीन लिटरेचर वेद हिंदुस्तान में कहे जाते हैं, जो कि काफी पुराने हैं, BC पीरियड के हैं, ईसा पूर्व के हैं, उनके अंदर ऋग्वेद के अंदर सरस्वती का वर्णन है। बाद में जी महाभारत जो महाकाव्य है उसके अंदर भी वर्णन है, जैन लिटरेचर आगमों के अंदर भगवती सूत्र सूत्र कृतांग सूत्र उनके अंदर भी जी सरस्वती नदी का वर्णन है। तो जहां जी तक हिंदुस्तान का लिटरेचर है वो तो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के अंदर सरस्वती नदी का अस्तित्व था और पूरे हिंदुस्तान की जन सभ्यता यानी कि मानव सभ्यता को नदी प्रभावित करती थी। और जो दोआब का क्षेत्र है, सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में ये सरस्वती नदी बहती थी, और इस बात के पुख्ता प्रमाण आज जुटा लिए गए हैं क्योंकि जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण में लगभग 50 साल पहले एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, श्री विष्णुधर वाकणकर जी, जो उज्जैन के जी आसपास के एरिया में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया करते थे। उन्होंने जी सबसे जी पहले सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात को लेकर के अपनी बात प्रस्तुत की, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, सरस्वती नदी के मार्ग को लेकर के उन्होंने एक यात्रा का भी आयोजन किया जिसमें यमुनानगर जगाधरी के श्री दर्शनलाल जैन जी, जिन्होंने बाद में सरस्वती नदी शोध संस्थान की स्थापना की और उसके अंतर्गत बहुत लंबा बहुत बड़ा काम किया। तो अच्छा मेरा स्पष्ट ये कहना है कि सरस्वती नदी थी और आज भी वर्तमान में है, परंतु हिंदुस्तान में अंबाला के ऊपर जो यमुनानगर जगाधरी से भी ऊपर अगर जाएं पहाड़ियों की तरफ, शिवालिक की तरफ, तो जी वहां जी पर एक आदि बद्री स्थान है, आदि बद्री, वहां से उसका अच्छा मुख है, वहां से वो नदी निकलती है और वो हरियाणा के बहुत जिलों के अंदर बहती हुई वो आगे राजस्थान और राजस्थान को कवर करके गुजरात के रास्ते सागर में विलीन हो जाती है। तो ये बात कहने का जब प्रश्न पैदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए लोगों ने अपने क्वेश्चंस किए, तो उस यात्रा में बहुत सारे ऐसे स्थान
जो कि कहीं सरस्वती कुंड, कहीं सरस्वती की धारा, कहीं छोटे छोटे से वाटर बॉडी हम से लोग मानते जी, थे कि ये सरस्वती है। लेकिन जब उनका सर्वे किया गया और सर्वे को वैज्ञानिक तौर तरीके से पिछले साल में, पिछले 3 सालों में हरियाणा सरकार जी, मैं ये पूछने ही वाली थी कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमेशा हर चीज के लिए वैज्ञानिक आधार मानती है, तो इसका वैज्ञानिक आधार जो है उस पर आप जरूर रोशनी डालिए। मैं उसी उसी पे आ रहा हूँ मैडम। देखिए मनविंदर जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था, इसीलिए मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ कि आज पूरा विश्व वैज्ञानिक धरातल पर जो चीजें हो रही हैं, जो पुष्ट हैं, उनको मानता है। तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है इसरो, और नासा है अमेरिका की संस्था है, उन दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया और इसरो ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से सैटेलाइट से जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं इसके, उससे हमें इस सरस्वती नदी के कोर्स का पता चलता है। और तीनों राज्यों में धाराएं फिलहाल जमीन के ऊपर हैं और जहां जहां पर सरस्वती नदी की प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिल रहे थे उनके आधार पे जब खुदाई की गई, जहां जहां पे बहुत सारे ड्रिल किए गए में, तो पाया गया कि हरियाणा में और राजस्थान में तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि जहां अथाह जल राशि यानी कि वाटर का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। ये देखिए कि राजस्थान में जैसलमेर एक जिला है जो कि पानी की बहुत ही कमी राजस्थान में प्रारंभ से रही है, अब तो बहुत सारी नहरों के माध्यम से राजस्थान तक पानी पहुंचा है, लेकिन जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहां पानी की बहुत कमी है, लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे स्थान, ऐसे गांव थे कि जिनके कुओं के अंदर मीठा पानी, अच्छा पानी मौजूद रहता है हमेशा से, और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां 40 से 50 मीटर की खुदाई करने पर मीठा जल, अच्छा पानी, पीने योग्य जल प्राप्त होता है। तो जब उन सब चीजों के मद्देनजर अपने सर्वेक्षण को आगे बढ़ाया गया तो ये पाया गया कि ये उसी प्राचीन सरस्वती नदी जो कि भारत की पौराणिक प्राचीन और अपने आप में एक श्रद्धा आस्था की प्रतीक नदी है, उसी का पानी है। और ये बात सिद्ध 3 वर्ष पूर्व में भी दर्शन लाल जी सरस्वती शोध संस्थान जिन्होंने बनाया हुआ था उनके माध्यम से हरियाणा में खुदाई के दौरान जहां पर पानी मिला वहां तो केवल 8 फुट की खुदाई पर नदी बहती मिली है। तो आज इस बात में कोई दोरा नहीं कि सरस्वती नदी मौजूद है, परंतु जो वाटर क्राइसिस के बारे में पूरा विश्व चीख चिल्ला रहा है कि हिंदुस्तान का उत्तर भाग भी आने वाले समय में 15-20 वर्षों में, 25 वर्षों में पानी की कमी से जूझेगा, तो हम लोगों को खुशी है कि भारत सरकार ने उस आने वाले भविष्य के संकट को पहचानते हुए भारत की अस्मिता और मानव जाति की रक्षा की प्रतीक नदियों का पुनरुद्धार करने की योजना बनाई, और जो इतनी बड़ी नदी आज जमीन के अंदर बह रही है उसको बाहर निकालने की योजना बनाई। इसके माध्यम से वो चीजें होंगी, एक तो भारत की चिंता दूर होगी कि भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, दूसरा जो भारत की सभ्यता, आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन किया उसमें एक इम्पोर्टेंट बात कही कि सिंधु जो सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सिंधु नदी के किनारे उसके आसपास जो मानव बस्ती रही है 2000-3000 BC यानी कि 2500 से लगा करके 4,500-5,000 वर्ष प्राचीन सभ्यताएं, तो उसके लगभग 2500-2600 के करीब मानव बस्ती के जो केंद्र है, पूरा स्थल है, उनको खोजा गया है। तो ये बात बहुत गौरतलब है कि अभी जो सिंधु नदी के किनारे वो सैंधव स्थल हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, वो लगभग 300 के करीब हैं, और उससे अलग जितने स्थल मौजूद हैं हरियाणा के अंदर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो सरस्वती नदी के कोर्स, उसके आसपास के एरिया में मानव सभ्यता जो लगभग 3-4-5 हजार वर्ष प्राचीन है, भारत के प्राचीनतम इतिहास को सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों का पुरातात्विक सर्वेक्षण हो, और पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद वहां से जो प्राप्त अवशेष हैं उसके माध्यम से कुछ ऐसे स्थान हम लोग सेलेक्ट करें जहां पर भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत जो हमारी टीम है वो वहां काम करे और भारत का प्राचीनतम इतिहास नदी के माध्यम से, नदी सभ्यता के माध्यम से सामने आए। जी। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये बात चली रही है तो मतलब सरस्वती नदी क्यों लुप्त हो गई? एक सेकंड, फोन आ रहा है।
सरस्वती की लुप्त होने का जो एक अहम कारण है जी, क्या होगा? एक सेकंड, नो इशू, क्या कॉल आ गया, एक सेकंड, अभी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सरस्वती न... हम बात कर रहे थे इतिहासकार मिस्टर अमित राय जैन जी से, उनका संपर्क हमसे ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, वो फिर से जुड़ने जा रहे हैं। जी, और जी जी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से जी। हाँ जी, तो ये टेक्निकल चीज है ना, तो ये थोड़ी सी हमारे हाथ में नहीं रहती है कनेक्शन जी। हाँ हाँ मैडम, मैं आपसे जो बता रहा था कि सरस्वती नदी के लुप्त होने के कुछ कारण ऐसे हैं कि जो मानव के अस्तित्व से जुड़े हैं और मानव की सभ्यता के विनाश से भी जुड़े हैं, क्योंकि सिंधु नदी सभ्यता के किनारे की जो मानव बस्तियां हैं वो भी नष्ट प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। कोई बड़ा भूकंप आया है या कुछ जो भौगोलिक परिस्थितियों में चेंज हुआ है, पृथ्वी की प्लेट्स के अंदर जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से नदी के बहुत सारे स्थान ऐसे हैं। आज अगर हम लोग इस शिक्षण के माध्यम से देखते हैं तो नदी, सरस्वती नदी का लगभग 90-95% हिस्सा जमीन के नीचे जा चुका है। जमीन के नीचे सरस्वती नदी का प्रवाह आज भी बह रहा है और करीब 10% से लगाकर के 8% हिस्सा जमीन के ऊपर भी है, कहीं कुंड के माध्यम से है, कहीं छोटी नदी के माध्यम से है, कहीं लोकल बरसाती नदी लोग उसको मान लेते हैं, जैसे घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी का भी जो हिस्सा है वो सरस्वती नदी का ही एक धारा है। तो अब जब ये कमेटी बनी है, भारत सरकार इस ओर प्रयासरत है, लगभग जी, ये तो इस बेल्ट के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आपको इसका मेंबर नियुक्त किया गया है। बहुत मतलब हम अपने जी, गर्व तो मैडम क्या कहेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया है, इतिहास के साथ हम लोगों का नाता है, इतिहास प्रेमी हम लोग हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इतिहास के साथ में भी और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ भी आपने बहुत काम किया हुआ है। मुझे बहुत पुरानी वाली चीजें याद आ रही हैं, बहुत कुछ किया हुआ है, मतलब उनको मैं अगर गिनना शुरू करूं तो हमको घंटों लग जाएंगे, आपने इतना काम किया हुआ है। और मैडम देखिए, सभी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का केंद्र सरकार विशेष जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा के लिटरेरी और पुरातात्विक आधार पे हम पूरे विश्व के सामने सरस्वती नदी सभ्यता और सरस्वती नदी के अस्तित्व को बताएं, ताकि भारत की आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गर्व कर सके जो हमारा बिल्कुल इन सब जो विशेष कार्य है इनके पीछे सारा मकसद यही रहता है कि हम अपनी सभ्यताओं को, हम अपने चीजों को संभाल के रखें, इसीलिए कमेटियां गठित होती हैं, इसीलिए आप लोग इतने प्रयास करते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं अमित जी, क्या सरस्वती नदी के आसपास कोई विशेष प्राचीन सभ्यता भी मौजूद रही है, ऐसा भी कोई सबूत है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि हरियाणा के अंदर जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, चाहे वो भिर्राना हो, चाहे वो भिवानी के आसपास के एरिए हो, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से पुरातात्विक प्रमाण मिले, हड़प्पन कल्चर की बहुत सारी ऐसे रिमेन्स मिले हैं, बहुत सारे ग्रेवियर्ड मिले हैं, मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो सरस्वती नदी जब सामने आएगा तो जिन सभ्यताओं को हम लोग सिंधु सभ्यता का नाम दे रहे हैं आज तक ना समझी के कारण, तो वो सारी सभ्यताएं सरस्वती नदी सभ्यता के नाम से जानी जाएंगी। और बहुत जल्द हम इस प्रयास में सफल होंगे और एक बड़ा लंबा जो प्रोजेक्ट सरकार ने बनाया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दो महीने का संक्षिप्त समय हमारे पास है तो जल्दी से जल्दी सारे एरिए का सर्वे करें, सर्वे करने के बाद हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाएं और उसके निष्कर्ष समाज के सामने, विश्व के सामने रखें। एक और चीज है, सरस्वती प्रोजेक्ट जो है इस पे खर्च किए जाने वाला 1,000 करोड़ रुपए से देश को क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, 1,000 करोड़ रुपया एक फिगर लोगों को दिख रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुउद्देश्य योजना है,
इसके अंदर सबसे पहले तो वैज्ञानिक तौर तरीके से नदी के कोर्स का सर्वेक्षण है, जो कि सैटेलाइट्स के माध्यम से होगा। भारत सरकार की एजेंसीज काम को करेंगी। इस कमेटी के अंदर 9 या 10 जो अलग अलग मिनिस्ट्री है उनके सचिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर मेंबर हैं। इन कमेटियों के अंदर जो लोग जुड़े हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां हैं। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंदर भी खर्चे होंगे, इसके कोर्स को ढूंढने में भी खर्चे होंगे, और जो बड़ा खर्च है वो है कि जब नदी का अस्तित्व क्लियर होगा, कन्फर्म होगा, तो नदी को जमीन में से खोद करके बाहर समाज के सामने लाया जाएगा, तो बड़ा खर्चा है। इसकी जहां तक प्राप्ति का सवाल है, तो प्राप्ति तो भारत अपने भविष्य को बचाने की तरफ है। जब हम लोग जो विश्व के सामने बहुत बड़ा संकट पाने का है उसको हल कर लेंगे, तो विश्व की सबसे बड़ी सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान विश्व के सामने प्रस्तुत होगा। तो पानी क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा एक बड़ा प्रयास है हमारे जी। प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसी योजनाओं पे काफी ध्यान दे रहे हैं और खुद उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो आप इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, मतलब किस तरीके से आप इसको अंजाम देने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब मोटा मोटी टेक्निकल चीजें हमको समझाइए इनकी, ताकि जो नई पीढ़ी है वो ये देखे, वो समझे कि मतलब चीजों को संजोना कोई आसान बात नहीं है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की भूमिकाएं अलग अलग लोगों की है। टेक्निकलिटी के अंदर तो सबसे पहले इसका सर्वे है, तो उसमें 3 तरह के उद्देश्य हैं। पहला है कि सरस्वती नदी के पानी को संरक्षित किया जाए, वो हम लोगों के पीने के लायक पानी के अंदर बदले। दूसरा काम है कि सरस्वती नदी जहां जमीन के नीचे अंडर वाटर जो उसका हम लोगों का एक बहुत बड़ा भंडार है, अथाह जलराशि है, उसको हम लोग सर्वे के दौरान सामने लाएं। तीसरी बात है कि सरस्वती नदी के किनारे की जो सभ्यता है उसको भी हम लोग विश्व के सामने लाएं। तो उसके लिए विभिन्न तरह की टीमें हैं। उसके अंदर जैसे हम लोगों का एक कमेटी फॉर्मेशन की गई है, भारत का गजट निकाला गया है, और हम सभी लोगों की 8 जुलाई के अंदर शास्त्री भवन के अंदर कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद पटेल जी बैठक लेने वाले हैं। उसके अंदर विभिन्न विषयों पे हम लोगों का डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद जिम्मेदारियां तय होंगी, सर्वे होंगे, सर्वे होने के बाद वो टाइम बाउंड वर्किंग होगी। उसके बाद फिर सर्वे के बाद जो स्थान चुने जाएंगे, उन स्थानों की खुदाई का काम, उन स्थानों के ड्रिलिंग का काम, उन स्थानों के इतिहास को वैज्ञानिक तौर तरीके से संरक्षित करने का काम होगा। और जहां तक खर्चे की बात है, पहले हरियाणा गवर्नमेंट इसके अंदर 150 से 200 करोड़ लगा चुका है। हरियाणा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, तो 500 करोड़ का एक बजट है, और बाकी नीति आयोग और कल्चर मिनिस्ट्री इसके अंदर अपना पैसा खर्च करने वाली है। 3 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसके अंदर है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो आने वाले समय में इसका बजट बढ़ने वाला है, परंतु सबसे पहला काम यही है कि हम लोग इसको टेक्निकल तरीके से लेकर के आगे बढ़े, उसके बाद फिर प्रयोगात्मक स्तर पे अगले साल से हम लोग इस पे काम करेंगे। तो इसके हवाई सर्वे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि जो टाइम टू टाइम जो डिस्कशंस होंगे, उसके बाद फिर इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सरकार का एक तौर तरीका, एक सिस्टम है, टाइम बाउंड वर्किंग है, उसके माध्यम से हम चीजों को जो सरकारी उपक्रम है उनके साथ, उन एजेंसीज के साथ तारतम्यता बिठा करके, कोऑर्डिनेशन करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जी, एक चीज और जानना चाहती हूँ, सरकार ने इसकी कोई टाइमलाइन भी रखी है? नहीं, अभी टाइमलाइन तो 2 साल का हम लोगों का टाइम रखा है। मार्च 2021 तक ये कमेटी रहेगी, और इसके अंदर हम लोगों को पूरा एजेंडा दिया गया है। अभी 8 तारीख को जो मीटिंग है वो एजेंडा तय करने की मीटिंग है, उसके बाद फिर हम लोग पूरा टाइम टेबल 2 साल का तय करेंगे कि हम लोगों को किस रिजल्ट तक इस कमेटी को, इस कमेटी के कामों को आगे बढ़ाना है। 8 तारीख को आपकी मीटिंग है, 8 जुलाई को, जिसमें और चीजें डिस्कस होंगी। तो मैं दर्शकों को ये भी बताने चाहूंगी कि अमित जी से हम 8 तारीख को जब वो लौट के आएंगे तो हम फिर से एक बार बात करेंगे कि क्या रोड मैप तैयार हुआ है सरस्वती नदी को बचाने के लिए, जो प्रोजेक्ट जिस पे काम करने जा रहे हैं, जिसके सदस्य हैं आप। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं अमित जी आपसे, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जो है उसको बहुत सारी बातों का कहना चाहिए कि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। बार बार उनके दिमाग में ये सवाल अभी भी आ रहा है कि सरस्वती नदी का जो इतिहास है वो क्या है।
नहीं, सरस्वती नदी का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि जो 2500 से 2700 2800 साल प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है उसमें सरस्वती नदी का वर्णन है। दूसरी बात, संगम इलाहाबाद में सरस्वती और गंगा यमुना तीन नदियों के संगम की बात कही गई, वहां पर तीन धाराएं बहती हुई आ रही हैं, लोगों को दिखती हैं, परंतु एक धारा कहाँ से आ रही है उसका एक धारा कहाँ से आ रही है किसी को पता नहीं चलता। हाँ, ये अभी किसी को पता नहीं है, कहीं जमीन में से नीचे से आ रही है। तो अब वही सब चीजें जो इंडिया की जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, उसके सामने आएगी, और जल्दी ही वैज्ञानिक रीति नीति से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री भी सामने आएगी, क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास किन किन सोर्सेज में कहाँ कहाँ सरस्वती नदी पर क्या लिखा गया है, क्या सर्वे है, क्या रिपोर्ट है, इसको लेकर भी एक बहुत जल्दी मैं किताब लिखने वाला हूँ, और आने वाले 2 से 3 महीने में इस एक छोटी सी किताब के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। दैट्स वेरी ग्रेट न्यूज। एक बार फिर से आपको सरस्वती नदी परियोजना की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और ये बधाई मैं दर्शकों की तरफ से भी आपको प्रेषित करती हूँ। और आपने इतनी जानकारी दी सरस्वती नदी के बारे में, इसके प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी टाइमलाइन के बारे में, इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि फिर हम जल्दी मिलेंगे जब आप इस परियोजना पे काम करना शुरू कर देंगे। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।